चेन्नई एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले विमान से अचानक धुआं निकलने लगा। धुआं निकलने के बाद जब अंदर बैठे 280 यात्रियों को पता चली तो हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन से धुआं निकलने की तस्वीर जिसने भी देखी हैरान रह गया। प्लेन के अंदर 280 यात्री बैठे थे और बाहर प्लेन से धुआं निकल रहा था। धुआं एयरक्राफ्ट के पंखे वाले हिस्से से निकलने लगा। हैरान करने वाली तस्वीर चेन्नई एयरपोर्ट की है। मंगलवार को रात करीब 9:15 पर प्लेन दुबई की उड़ान भरने के लिए तैयार था। प्लेन में 280 लोग सवार थे, लेकिन तभी प्लेन के पंखे वाले साइड से धुआं निकलने लगा। क्रू मेंबर ने जैसे ही धुआं निकलने की खबर एयरपोर्ट अधिकारियों को दी, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अंदर बैठे मुसाफिरों की धड़कनें तेज हो गईं। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एयरपोर्ट पर मौजूद टेक्निकल टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। करीब 10 मिनट तक जांच के बाद प्लेन से धुआं निकलना बंद किया गया। बताया गया कि तकनीकी खराबी के कारण विमान से धुआं निकल रहा था। इसके बाद विमान की तसल्ली से जांच की गई और करीब 3 घंटे बाद दुबई के लिए इसे रवाना किया गया।